1 सितंबर से लागू होने वाले नए कानून और भयानक जुर्माने के प्रावधान ने जनमानस को त्राहिमाम कर रखा है। ट्रैफिक टेरर इतना है कि लोग लंबी लंबी कतारों में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने में लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की भी कई घटनाएं घटी है। विपक्ष तो विपक्ष, सरकार के अंदर भी इस कानून के स्थगन को लेकर मांग उठ रही थी। बुधवार की कैबिनेट में भी इस बात पर चर्चा हुई। परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने न्यूज 11 से कहा कि इस कानून में संशोधन होगा, क्योंकि समय देना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार समुचित समय के लिए करना चाहिए ताकि लोगों के जानकारी हो जाए। अचानक अभी मैं देख रहा हूँ कि पोल्यूशन की लाइन लगी हुई है, सभी लोग कागज वगैरह बनवाने में व्यस्त हैं, तो इनको एक समय दिया जाए और इसके आधार पर ये सारी चीज़ें हो जाएं, फिर इसे लागू किया जाए। लेकिन जो हेलमेट है ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, कोई नया तो है नहीं, तो बाद बाकी चीज़ें जो हैं उसके लिए समय दिया जाए जिसमें उन्हें कागज़ वगैरह बनवाने की आवश्यकता है, तो इस पर विचार कर रहे हैं। सीएम साहब से भी मैंने बात किया है, सीएम साहब भी इसके लिए तैयार हैं। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में मुख्यमंत्री ने जनता को तैयारी के लिए 3 महीने की मोहलत दी। गुजरात जहां बीजेपी का शासन है वहां भी इस कानून में संशोधन कर जुर्माने को आधा कर दिया गया। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मंत्री से उड़ीसा की तर्ज पर राहत की मांग की थी। मांग पूरी हो रही है इसलिए चैम्बर में खुशी है। माननीय सीपी सिंह जी ने इसे कभी काफी गंभीरता पूर्वक लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी। ये काफी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमें व्यवस्था तो देनी होगी और मेरे हिसाब से राजहित में और जनहित में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मैं सोच रहा हूँ। इसमें एक मैसेज भी जाएगा और जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और ये आप देखिए ग्राउंड रियलिटी भी तो देखना होगा। खुद सरकार को भी लगता है कि बिना तैयारी के अचानक इतना बड़ा कानून नहीं लागू करना चाहिए था। मंत्री जी ने बताया कि बस 1-2 दिन में जनता को राहत मिल जाएगी, तो इस पर हम लोग उचित निर्णय लेंगे। यानी ये बात मतलब बड़ी राहत की आपके मुंह से सुनी कि राहत मिल सकती है, समय मिल सकता है जैसे उड़ीसा में मिला है, जैसे बिल्कुल बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, निश्चित रूप से राहत मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून को लेकर जनता परेशान है जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता था, लिहाजा सरकार ने रिस्क लेना शायद मुनासिब नहीं समझा। ट्रैफिक की नए संशोधित कानून और कई गुना जुर्माने से तो जनता को कुछ महीने की राहत मिल जाएगी, लेकिन जानबूझकर हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिसिया अभियान जारी रहेगा। जितने दिनों की राहत दी जा रही है उस समय में लोग अपने कागजात को ठीक कर लें, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना लें और आदत डाल दें, क्योंकि आगे जब ये कानून लागू किया जाएगा तो फिर कोई राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन देवाशीष के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 रांची।